एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज काफी सारे एंड्रॉयड फोन पे या काफी सारे ऐसे एंड्रॉयड फोन यूजर हैं जिनके एंड्रॉयड फोन पर एक मैसेज देखने को मिला उनके डिस्प्ले पे, जो कि फोन के डिस्प्ले पे अगर वो कोई भी वर्क कर रहे होते हैं उसी टाइम में एक मैसेज देखने को मिलता है, जिस मैसेज में अलर्ट जारी किया गया है और उसमें कुछ आवाजें भी सुनाई देती है, और उसको आपको एक ही ऑप्शन उसमें मिलता है ओके करने का, जिसको लेकर के काफी लोग परेशान है, जो कि जो मैसेज है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा होगा। हो सकता है कि यह मैसेज आपको भी स्क्रीन पर देखने को मिल गया होगा आपके फोन में अभी तक। अगर नहीं मिला है तो आपको कभी ना कभी यह मैसेज देखने को मिल रहा है, मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यह टेस्टिंग अभी चल रहा है, किस प्रकार का टेस्टिंग है और यह मैसेज क्यों आ रहा है और कब कब जो कि यह मैसेज आपको देखने को मिलेगा, एक एक जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं मेन पॉइंट पे। तो आपके फोन पर आपातकालीन अलर्ट, टेलीकॉम विभाग ने दी सफाई, कृपया नजरअंदाज करें, और यहाँ पे इसका मतलब हम आपको बताएंगे। तो अगर ऐसा मैसेज आ रहा है तो आपको जो कि नजरअंदाज करना है इसको, यानी कि इग्नोर करना है, आपको इसको सीरियस नहीं लेना है, लेकिन फिर भी जानना उचित है कि आखिर में यह मैसेज आ क्यों रहा है हमारे जो कि फोन के डिस्प्ले के ऊपर। तो हम मैं आपको बता दूं कि काफी सारे ऐसे जो कि एंड्रॉयड फोन यूजर्स के पास जो कि आज एक फ्लैश संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें आपातकालीन चेतावनी गंभीर फ्लैश लिखा था। जब संदेश प्राप्त हुआ तो फोन पर तेज बीप की आवाज आई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब यह मैसेज आ रहा है तो काफी जो कि तेज एक आवाज आ रहा है, तरह का जो कि बीप की आवाज आ रही है। जाहिर है यह आपातकालीन चेतावनी प्रणाली थी जिसका आज सरकार ने परीक्षण किया है। तो सरकार ने इसका परीक्षण किया है, आखिर में है क्या, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो संदेश में लिखा था, यह भारत संचार सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण है, कृपया इस संदेश पर ध्यान ना दें क्योंकि आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा अगर आपको संदेश मिला है तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, यह सरकार की तरफ से एक परीक्षण है जो कि टेस्टिंग किया जा रहा है, उसमें जो कि आपको क्या टेस्टिंग किया जा रहा है इसके ऊपर भी हम बात करें। तो यह संदेश जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, टेस्ट पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को भेजा गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट पर जो कि प्रदान करना है। तो आपातकालीन अगर जो स्थिति है उस समय इस मैसेज के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आप जो कि हमारे इंडिया में कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, या जो कि हमारे जो भी इंडिया में अगर कोई एक स्टेट में कोई प्रॉब्लम आता है तो उस स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसी तरह का जो कि एक अलर्ट आपको मिलेगा, जिस अलर्ट के जरिए आप सावधान हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि भूकंप आया, बाढ़ आया, ऐसे सारे जो कि आपातकालीन जो भी यहाँ पे रहेंगी उसके आते ही आपको यह जो कि अलर्ट मिलेगा, तो इसके भी बारे में हम जानेंगे। तो दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने आगे कहा कि मोबाइल ऑपरेटरों और सेल प्रसारण प्रणालियों की आपातकालीन चेतावनी प्रसारण क्षमताओं की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर ऐसे परीक्षण किए जाएंगे। कई लोगों ने इस मैसेज को जो कि स्पैम के तहत समझा, यानी कि यह कोई धोखाधड़ी वाला मैसेज है या जो कि हमारे फोन में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ इस तरह के लोगों का जो कि सोचना था। तो हालांकि कई लोगों ने इसे स्पैम या वायरस भी माना है। एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने कहा, क्या बाकी सभी को भी आपातकालीन चेतावनी परीक्षण संदेश मिला? मैं पहले से ही आपातकालीन चेतावनी गंभीर मेम संभावनाओं के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं, तो वहीं एक अन्य ने लिखा कि क्या मेरे फोन में कोई वायरस आ गया है, कुछ अजीब हो रहा है, क्या निदान है, मैं इसे कैसे जो कि ठीक कर सकता हूँ। तो जिस तरह से वो अलर्ट आ रहा है, जिससे हमें लग रहा है कि हमारे फोन में जो कि वायरस तो नहीं आ गया, और जो आवाज़ें आ रहा है, आवाज़ आने के साथ ही लोग काफ़ी जो कि घबरा भी जा रहे हैं। ठीक, तो आगे की तरफ हम देखते हैं, तो भारत सरकार इस परियोजना पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका उपयोग भूकंप, सुनामी और बाढ़ जैसी आपदाओं का समय जो कि इसका यूज किया जाएगा।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी आपदा आता है तो उस समय आपको इसी तरह का एक मैसेज मिलेगा, जिस मैसेज के जरिए आप सावधान हो जाइएगा कि आपके क्षेत्र में क्योंकि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाला है, और जिससे आप सावधान हो जाइएगा और इसी प्रकार का संदेश आपको मिल जाएगा। तो यह एक टेस्टिंग था, और हर एक फोन स्मार्टफोन के ऊपर यह जो कि टेस्टिंग किया जाएगा, आपको यह टेस्टिंग के तौर पर यह मैसेज मिला है या नहीं मिला है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे 2 से 3 लोगों का मैसेज आया पर्सनली, जिन्होंने बताया कि ऐसा जो कि मेरे साथ हुआ, मेरे फोन के स्क्रीन पर ऐसा जो कि मैसेज आया और काफ़ी जो कि तेज आवाज कर रहा था। तो जिसको देखते हुए मैंने आपके साथ यह वीडियो शेयर किया और इसकी जानकारी आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।